हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुषमा सिंह अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। टुडे इन दिस वीडियो विल कवर क्वेश्चन नंबर 371 टू 318 द सीरीज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 371 इज व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थीन ऑफ द काउडर बेस्टोड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम? ऑप्शन ऑन द बैरिन हेथ बाय बैंक्यू, इन इनवरनेस बाय लेडी मैकबेथ, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, या ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द किंग्स एमिशरी रोस। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल ओल्ड ग्रेट नेपच्यून ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड वैन? सो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा और कब कहा गया है? ऑप्शंस हैं लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, दिस वन इज बैंक्यू, या बैंक्यूज गोस्ट एट द बैंकेट, या मैकडफ्स वाइफ्स मर्डरर्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकबेथ जो हीरो होता है प्ले का, आफ्टर मर्डरिंग डंकन सेज विल ओल्ड ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, इट अपियर्स इन एक्ट सेकेंड एंड सीन थर्ड। अकॉर्डिंग टू द मैकबेथ द चीफ नरिशर्स इन लाइफ्स फेस्ट इज, ऑप्शंस हैं रिच डाइट, स्लीप, लव, या सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? According to Macbeth, the chief nourisher in life's feast is sleep, and this appears in act second and scene third. Rosalind in Shakespeare's As You Like It discusses herself as Alina, Sylvius, Ganymede, or Jacquewege. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज गैनीमेड। रोजालिंड हीरोइन होती है शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट में, एंड शी डिस्कस्ड हर सेल्फ एज बॉय गैनीमेड इन द प्ले। क्वेश्चन नंबर 375 इज अकॉर्डिंग टू जैकवीज इन इज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, व्हाट इज द सेवंथ स्टेज? जैकवीज के मोनोलॉग के अकॉर्डिंग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज में सेवंथ स्टेज क्या होती हैं? ऑप्शंस हैं स्लीपर, पेंटालून विद स्पेक्टिकल, सेकंड चाइल्डिशनेस, एंड दिस विल बी मेयर। ओब्लिवियन, अ वॉयफुल बैलेड विद स्ट्रेंज ऑथ्स, या फुल ऑफ वॉइस शाज एंड मॉडर्न इंस्टांसेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो अकॉर्डिंग टू जैकवीज इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन is the seventh stage. Question number 376 is which one was Milton's favorite? इनमें से मिल्टन्स का कौन सा वर्क उनका फेवरेट था? पैराडाइज लॉस्ट, शेम्पशन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन, या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट, शेम्पशन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन, या नन ऑफ दीज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पैराडाइज लॉस्ट। An English poet and civil servant John Milton is remembered for his epic Paradise Lost. And it was also Milton's most favorite work. And his some other important works are like Samson Agonist 1671. Paradise Regained 1671, and Lycidas 1638. So these are some important works of John Milton. 377 is theme of the Areopagitica is Areopagitica ki theme kya hai? Liberty of woman, freedom of press, sanction on press, ya sanction on polygamy. Iska right answer kya hoga? इसका राइट आंसर होगा फ्रीडम ऑफ प्रेस। जॉन मिल्टन्स एरोपेगिटिका इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एसेज
arguing for the freedom of press and against primitive censorship. In 1644, John Milton published the Areopagitica, in which he appealed to Parliament to rescind their licensing order of June 16, 1643. And this order was designed to bring publishing under government control by creating a number of official censors to whom authors would submit their work for approval prior to having it published. When was Paradise Lost published? Milton का Paradise Lost कब publish हुआ था? 1657 में, 1671 में, 1637 में या 1667 में? इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा 1667. इसका right answer होगा 1667. Paradise Lost एक epic poem है, as you know very well, John Milton की, जो कि blank verse में write की गई है. एंड इसका स्टाइल ग्रैंड है, ग्रैंड स्टाइल. और इसका फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड हुआ था 1667 में, जिसमें 10 बुक्स आती हैं. एंड द सेकंड वर्जन पब्लिश्ड इन 1674, जिसमें 12 बुक्स आती हैं. Next question is, a savage place as holy and enchanted beneath a waning moon was haunted by woman wailing for demon's lover. These lines throw light on. ये lines light डालती हैं Shakespeare's की supernatural element पर, Coleridge's की supernatural elements, Wordsworth's passion of nature को लेकर या Keats का Hellenism को लेकर. इसका right answer क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोलरिज सुपर नेचुरल एलिमेंट. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द कुबले खां पोयम. बाय कोलरिज, दीज लाइन्स मेक अस फील लाइक वी आर इन एन अल्टरनेट रियलिटी. ही मेक्स पीपल अपियर एंड डिसअपियर स्ट्रेंजली, जस्ट लाइक अ ड्रीम और अ हैल्यूसिनेशन. द इंट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर इज अ मेजर थीम फॉर द कोलरिज. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज, रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म आर द मेन फीचर्स ऑफ. रोमांटिसिज्म एंड आइडियलिज्म मेन फीचर किसके माने जाते हैं? रोमांटिक लिटरेचर के, विक्टोरियन लिटरेचर के, एलिजाबेथन लिटरेचर के या अगस्त लिटरेचर के? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एलिजाबेथन लिटरेचर. रोमांटिसिज्म एंड द आइडियलिज्म ये मेन फीचर्स माने जाते हैं एलिजाबेथन लिटरेचर के. बिकॉज इन द एलिजाबेथन पीरियड देयर वॉज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑलमोस्ट अनलिमिटेड क्रिएटिव फोर्स विच इंक्लूडेड वर्क्स ऑफ मैनी काइंड्स इन बोथ वर्स एंड प्रोज. एंड वी ऑल्सो सी दैट दीज वर्क्स रेंज इन स्पिरिट फ्रॉम लॉफ्टेस्ट प्लैटोनिक आइडियलिज्म और द मोस्ट डिलाइटफुल रोमांस.